उत्तर प्रदेश के बलिया के सतीश चंद कॉलेज में चुनावी सभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो नगर पालिका सहित 10 नगर पंचायतों के बीजेपी से घोषित प्रत्याशियों को जिताने का अपील की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया दुनिया के लिए हनुमान। कहा दुनिया यह मानती है कि अगर दुनिया में कोई संकट आएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकट मोचन के रूप में मार्गदर्शन करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। तो वहीं बलिया में मुख्यमंत्री जी ने अपना संबोधन बलियाटिक अंदाज में किया। कहा बलिया जिला घर बा तक काहे के डरबा। योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि 2017 से पहले यूपी में तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, अब सशक्तिकरण की राजनीति हो रही है। धरती से प्रारंभ किया था। भैया बहनों, आज दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। भारत के बारे में लोग आज मानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज गति के साथ। आज लोगों की मान्यता है, दुनिया ये बात को मानती है कि दुनिया के अंदर कहीं संकट होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी संकट मोचक के रूप में मार्गदर्शन करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। आज भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर एक मान्यता है, धारणा बन चुकी है कि भारत का नागरिक और भारत का युवा जहां होगा बेहतरीन करेगा। लेकिन 2014 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले लोग हमारे बारे में कुछ और सोचते थे। उत्तर प्रदेश ने मिशन मान करके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। 2017 के पहले जिस प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, आज उसी प्रदेश में तुष्टिकरण नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण की राजनीति हो रही है। 2017 के पहले जिन युवाओं के हाथों में तमंचे होते थे, आज उन्हीं हाथों में टैबलेट पकड़ा दिया गया है और नौजवानों के हाथों में टैबलेट पहुंचा करके उसे टेक्नोलॉजी के साथ उसके टैलेंट को जोड़ करके उसकी ट्रेनिंग को जोड़ करके आज उसकी प्रतिभा का लाभ। बात कही जाती है कि बलिया में घर कौने बातें का डर, निर्भीकता और क्रांति की ओस जगाने वाला एक मतव्य, एक धारणा बलिया के बारे में लोगों की है। और यही कारण है कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन बलिया ने 1942 में ही अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। जब देश को दूसरी आजाद, जब देश का लोकतंत्र का कला घोटा जा रहा था, तब सदैव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में सदैव चंद्रशेखर जी जैसे क्रांतिकारियों ने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी जवानी और अपना पूरा जीवन लगा दिया। और लोकतंत्र के कारण आज हम सबको एक समान वोट देने का अधिकार प्राप्त है।